वही जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में भीषण जल संकट से निजात पाने के लिए नगरवासियों ने रामलीला मैदान से तहसील तक जन आक्रोश जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा सभी लोगों ने अपने प्रतिष्ठाने का आग्रह किया। आपको बता दें भीषण जल संकट से परेशान है। इसी समस्या को लेकर शुक्रवार को नगरवासियों ने विशाल जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार से ही योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की और SDM के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री से वार्ता कर जल निस्तारण की मांग की। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। पानी की पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर शांतिप्रिय ढंग से अभी भी चल रहा है, लेकिन सरकार अब भी अगर हमारी मांग को नहीं मानती है। ये जन जन की समस्या है। बड़कोट में निवास करने वाले लोगों के साथ ही यमुनोत्री धाम का बड़कोट मुख्य पड़ाव है और मुख्य पड़ाव होने के कारण यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं यात्रा के समय पे। और मेन समस्या यात्रा काल के समय पे जो है विगत कई वर्षों से पानी की होती आई है और इसे यात्री आम जनमानस के साथ साथ यात्री भी परेशान है। बच्चा परेशान है। बच्चे विद्यालय जाने से पहले जो है उनको पानी कई दिनों तक वो नहा नहीं पा रहे हैं, समय से ड्रेस की धुलाई नहीं हो पा रही है क्योंकि पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, तो नहाएंगे धोएंगे कहाँ से। जी मैं आपको बता दूं कि कोई भी जन समस्या हो उसके लिए अगर सभी लोग एक हो जाएं तो शायद मुझे नहीं लगता कि समस्या रहे। कोई ना कोई विपक्ष में होता है, अगर सब एक मुंह से होंगे, सब विभाग एक साथ हो जाएंगे, विभाग अपना काम करना बंद कर देंगे। वैसे तो करना चाहिए। बड़कोट नगर पालिका यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव, देश विदेश के जो आम श्रद्धालु हैं वो चाहे धरासू से चाहे विकास नगर से जहाँ से भी जो हरिद्वार से यात्री चलते हो बड़कोट उनका मुख्य पड़ाव होता है। 10 से 15 हजार पर डे यहाँ श्रद्धालु रुकते हैं। बड़कोट की आबादी 35 से 40 हजार है। हर साल जो है भीषण जल संकट से बड़कोट परेशान होता है। लगातार डिमांड रहती है कि बड़कोट में एक पंप की योजना दी जाए। 2018 में प्रतिकर बढ़ गया, जमीन जो है 24 आ गया, अभी तक भी जो है विद्युत पंपिंग पेयजल योजना नहीं बनी। तो लोग बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब परेशान है सिर्फ इस बात को लेकर कि पंपिंग पेयजल योजना आए। छोटी छोटी योजनाएं दी जा रही है, लॉलीपॉप को राहत मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म जो है हमको राहत नहीं मिलने वाली। तो उत्तराखंड सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। 6 जून से गर्मी धरना चला, 6 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल शुरू हो रखी है। स्वामी जी जबरन उठा दिए गए, अब पूरण सिंह रावत जी जो हमारे समाज सेवी वो बैठे हैं भूख हड़ताल पे।